बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में। आशा गान सदाबहार खाने में आपको वेलकम कहती है। तो आज की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आज की रेसिपी है गवारे की फलियाँ। बहुत ही मज़ेदार बनती हैं और इसका सीज़न भी अब है, तो आप भी जल्दी से ट्राई कीजिएगा। मैं ऑयल ले रही हूँ, तकरीबन मैं ले रही हूँ हाफ कप, ठीक है? ऑयल लेंगे जी। ऑयल गरम जब हो जाए तो इसमें मैं ले रही हूँ 3 से 4 प्याज, ठीक है, स्लाइस किए हुए, ये ऐड कर देंगे। और अच्छी तरह से फिर हम इसको फ्राई करेंगे, और इतना फ्राई करेंगे कि लाइट गोल्डन आ जाए कलर इसका, ठीक है? तो हम इतना फ्राई करेंगे इसका लाइट गोल्डन कलर आ जाए, और मीडियम आंच रखेंगे। ये देखें, ये कलर आ गया, लाइट का कलर आया है, ठीक है? लाइट कलर आ जाए तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे 2 से 3 टेबलस्पून, यानी कि सॉरी 1 टेबलस्पून भरकर मैंने ना लहसुन कटा हुआ लिया, बिल्कुल चॉप किया हुआ, वो इसमें ऐड कर दिया है। इसको थोड़ा सा ब्राउन कलर करेंगे, ये भी फ्राई हो जाए। ये लहसुन हमारा फ्राई हो गया, और अब ऐड कर देंगे 2 चॉप किए हुए टोमेटोस, ठीक है, और 3 हरी मिर्चें, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसके साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ गवारे की, ये है गवारे की फलियाँ, ठीक है? इन्हें मैंने अच्छी तरह से पहले धोया, धोने के बाद इसे मैंने यूँ छोटा छोटा कटिंग कर लिया। ये गवारे की फली बहुत अच्छी है, ग्रीन बीन्स जो भी है, ग्रीन वेजिटेबल्स जो आपको पता है कितनी फ़ायदेमंद होती हैं, स्किन के लिए भी अच्छी है, आपकी सेहत के लिए भी अच्छी है। सब्ज़ी तो कोई भी है वो भी अच्छी होती है, सब्ज़ियाँ भी खानी चाहिए। तो देखिए मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरह से, सब कुछ इसमें मिक्स हो जाएगा। और अब हम स्पाइसेस ऐड करते हैं जी। मैं 1/2 टीस्पून हल्दी ऐड कर ली है, इसके साथ ही 2 टेबलस्पून भरकर पिसी हुई लाल मिर्च, ठीक है, और नमक हम लेंगे 1 टेबलस्पून भरकर, ये ऐड कर दिया। कुटी हुई लाल मिर्च लेंगे 1/2 टीस्पून, और खुश्क धनिया हम ले रहे हैं 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून ही जीरा ले रही हूँ, ठीक है, साबुत जीरा, सफ़ेद जीरा जो होता है वो ऐड करेंगे हम। और सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट जो है ना वो है मेरा अपना तैयार किया हुआ आमचूर का पाउडर, देख लें, 1/2 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट आता है, और ये आमचूर का पाउडर आप मेरी रेसिपी में देख सकते हैं, मैंने बनाना सिखाया हुआ है, ठीक है, ये कैसे तैयार किया जाता है, इसे आप बना कर रख लें, बहुत से खानों में इस्तेमाल होता है। ये देखिए हम इसे मिक्स कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ मैंने 4 आलू लिए हैं, ये भी ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाह, गवारे की फलियों के साथ आलू का कम्बिनेशन बहुत ही मज़ेदार सा होता है। और अब हम इसको क्या करेंगे, इसमें हम 1 गिलास पानी ऐड कर देंगे, और पानी ऐड कर देने के बाद मैं इसको कर रही हूँ कवर। उससे क्या होगा कि स्टीम आएगी और अंदर आलू और फलियाँ जो है ना वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी, पक जाएंगी। और आंच हम रखेंगे बिल्कुल मीडियम, तेज़ आंच नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तकरीबन पानी जब तक खुश्क होता है उतनी देर तक हम इसे कुक करते हैं। हाँ जी, देखते हैं, हम तकरीबन 8 मिनट हो गए, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, और ये टेक्सचर आप देखें क्या मज़ेदार से ये रेडी हुआ है, ये देखें
बहुत ही आला। और ये देखें हमारा आलू भी बिल्कुल सॉफ्ट हो गया। जब ये आ जाए कंडीशन तो इसका मतलब है कि हमारा खाना रेडी हो गया है। आलू और रवा की फलियाँ इज़ रेडी टू ईट जी। तो अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ फटाफट। जी आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार सी ये हमारी रेसिपी रेडी हुई है। क्या ये ज़बरदस्त सा टेक्सचर आया है। और यकीन जानिए ये खाने में इससे भी ज़्यादा मज़ेदार है जो मैंने एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऐड किया यानी कि आमचूर का पाउडर, उससे बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट आ गया। आप ये बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कैसी बनी। और मुझे दे इजाज़त इस अपने पन के साथ कि आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।